राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट क्षेत्र के व्यापारियों से जब हमारे संवाददाता सऊद सिद्दीकी व्यापारियों से सरकार की नई गाइडलाइन रात को 8 बजे मार्केट बंद होने को लेकर बात की तो कुछ व्यापारियों का कहना है कि अभी सरकार की नई गाइडलाइन की वजह से कहीं ना कहीं ग्राहकों में खौफ का माहौल है। दिवाली के टाइम जो ग्राहक की थी उस टाइम ग्राहक ही निश्चित होकर खरीदार ही कर रहा था, मगर इस टाइम कहीं ना कहीं खौफ का माहौल है। इस गाइडलाइन की वजह से व्यापार में भी कहीं ना कहीं गिरावट आएगी। वहीं जब हमारे संवाददाता ने व्यापारी संघ के अध्यक्ष से बात की तो उन्होंने इस गाइडलाइन का स्वागत किया है। सर, जो 10 बजे से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने का निर्णय है सरकार का, इससे कहाँ तक सहमत है? भाई, हम लोग तो सभी चीज़ों में सहमत है, शासन के साथ में हैं। और दूसरा, कोरोना के इतने बढ़ रहे हैं पेशेंट, उस हिसाब से तो हमें लग ही रहा है कि हम लोगों ने भी मार्केट का डिसीजन लिया 8 बजे का, वो इसी हिसाब से स्वेच्छा से लिया हमने कि कम से कम कोरोना कम से कम लोगों में जाए और हमारे व्यापारी और ग्राहक सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न रहे। कई दुकानदार इससे खुश नहीं है। साहब, ऐसा है 1300 दुकानदार हैं, अगर 1200 दुकानदार सहमति है, 100 दुकानदारों की सहमति नहीं है तो उसके लिए हम कुछ ही कर सकते हैं। सहमति और असहमति, सहमति में ज़्यादा लोग हैं, असहमति में बहुत कम परसेंट है। व्यापार में कितना असर पड़ेगा इसको लेकर? व्यापार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आदमी को मालूम पड़ जाए कि 8 बजे मार्केट बंद होगा तो आदमी का 6 बजे से आ जाएगा, और अगर सोमवार मार्केट बंद रहता है तो सोमवार कोई आता नहीं है। न्यू मार्केट हरियाणा हैंडलूम से जी। COVID-19 महामारी के दौरान शासन द्वारा जो पुनः निर्णय लिया गया है, रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया जा रहा है, इसका व्यापक असर व्यापार पे पड़ना निश्चित है। व्यापारियों में भी और जो ग्राहक आ रहे हैं उनके अंदर भी एक डर का पुनः माहौल दोबारा तैयार हो रहा है। जो अभी निश्चिंता का भाव था, जो हमारा दिवाली सीज़न था, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग भी निश्चिंत थे और ग्राहकों ने भी निश्चिंत होकर ख़रीदारी की थी, लेकिन कल और आज में भी हम देख रहे हैं कि ग्राहकों के अंदर डर का बहुत माहौल है। ये कुछ हद तक अच्छा भी है लेकिन व्यापार के लिए तो नुकसानदेह है। किस हद तक व्यापार में इसमें फ़र्क पड़ेगा? सर, लगभग 20-25% व्यापार कम होने की पूरी उम्मीद है।